सत श्री अकाल जी। इतनी स्नैक्स जो होते हैं वो काफ़ी लाइट क्वान्टिटी में होने चाहिए ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो और रात का जो डिनर है वो ईजिली पेशेंट कर पाए। जितना भी यहाँ पे स्नैक्स आता है वो एकदम लाइट आता है, ऑयल फ्री आता है, हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें आती है। सैंडविच हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया और टिक्की हो गई। आज जो है वो है डोसा। डोसा जो है ये ऑयल फ्री है, पेशेंट्स को शाम के टाइम स्नैक्स दिए जाते हैं। शाम के जो स्नैक्स है उसके बारे में आपकी फीडबैक क्या है, लाइट है या फिर आपको हैवी लगता है? बहुत लाइट आते हैं और मतलब इससे कोई हैवी तो नहीं, या फिर कोई अगर गैस की प्रॉब्लम तो नहीं होती। लाइट फूड बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट को इतनी सारी मेडिसिन चली होती है, गैस की प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाती है इससे, तो लाइट फूड के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जितने भी शाम को स्नैक्स आते हैं उसके बारे में? इससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है, मतलब बहुत अच्छा होता है, लाइट होता है खाने में और बहुत अच्छा होता है। घर पे बनाए जाते हैं, ऑयल फ्री होते हैं और हमेशा अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है, रोज़ कुछ ना कुछ शाम को चेंज आता है, हमेशा जो शाम को ये मिक्स स्नैक आता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, कभी वो चाउमीन टाइप में होता है, कभी मैक्रोनी होती है। कभी आपको ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, शाम को डिनर नहीं कर पाएंगे? ना, बिल्कुल लाइट वेट होता है, रात को एक्चुअली उसके बाद तो ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ये इतना हेल्दी होता है कि इसके बाद लगता है कि हाँ दोबारा से कुछ और खाना चाहिए।